दोस्तों, मुसलमान और यहूदी धर्मों में क्या क्या कॉमन है, क्या आपको ये पता है? अगर नहीं पता तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। हेलो दोस्तों, क्या हालचाल है, सब मजे में? दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें। हाँ, एक और बार लाइक करें, शेयर करें और कमेंट तो करना ही पड़ेगा, आखिर पता तो चले कि आपको वीडियो कैसी लगी। बात तो सही है। चलो फिर वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, मुसलमानों और यहूदियों में आदम से लेकर अब्राहम और मूसा तक पैगंबर एक है। दोनों ही धर्मों के लोग पैगंबर का सम्मान करते हैं। इसके अलावा दोनों ही धर्मों में खतना जरूरी है। मुस्लिमों की तरह यहूदियों के लिए भी खतना एक धार्मिक परंपरा है। दोनों ही धर्मों में मूर्ति पूजा को प्रतिबंधित किया गया है। दोनों ही धर्म के लोग प्रार्थना करते वक्त सिर पर टोपी लगाते हैं, बस यहूदियों में इसे किप्पा कहते हैं। इसके अलावा दोनों धर्मों में अंतिम संस्कार भी एक जैसा ही होता है। दोनों ही धर्म के लोग शव को दफनाते हैं। दोस्तों, क्या आपको इससे पहले ये पता था? अगर पता था तो कमेंट में यस टाइप करो और नहीं पता था तो नो टाइप करो। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ ऐसी ही काम की जानकारी के साथ। बाय बाय दोस्तों।